प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आरएनए के लास्ट एंड थर्ड टाइप की, जो कि कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टीआरएनए। टीआरएनए मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में बताता जा रहा हूँ, अभी बता दूँ, सेकेंड ईयर के अंदर ये आपके पेपर थर्ड के अंदर लगता है। थर्ड ईयर के अंदर ये जेनेटिक्स में है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, सॉरी, जूलॉजी बॉटनी दोनों में। और फर्स्ट ईयर में ये रेफरेंस के रूप में है, मतलब डिटेल नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो आप बॉटनी में तो एज ए रेफरेंस टीआरएनए देखें, और जूलॉजी में ये पूरा टॉपिक ही है। ये मैं बता देता हूँ आपको, अगर जूलॉजी पढ़ रहे हैं आप तो फर्स्ट ईयर की जूलॉजी में ये आरएनए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आरएनए को अगर हम देखें तो ये जो टीआरएनए है, ये एसआरएनए, एआरएनए इत्यादि नाम से जाना जाता है। सोल्युबल आरएनए, एडिप्टर आरएनए, इस प्रकार से इसका नाम। और आप कह सकते हैं एस फॉर सोल्युबल आरएनए, ए आरएनए, एडिप्टर आरएनए, इस प्रकार से हम इनको अन्य नामों से भी जानते हैं, अन्य नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। एमिनो एसिड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो है वो अमीनो अम्ल ग्रहण करने की वजह से नाम पड़ा है, क्योंकि टीआरएनए जो है वो एक साइड में एमिनो एसिड को अडेप्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है एडेप्टर आरएनए। और अपना कार्य समाप्त करने के बाद में ये समाप्त होता है, घुल जाता है, इसलिए इसका नाम है सोल्युबल आरएनए। तो ये दो नाम इसको इसलिए पड़े हैं। हॉगलैंड व उनके साथियों ने सन 1957 में इनको टीआरएनए नाम दिया। हॉगलैंड और उनके साथियों ने 1857 में, सॉरी 1957 में इनको टीआरएनए नाम दिया। तो हॉगलैंड का नाम यहाँ पर प्रमुख रूप से लिया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोशिका द्रव्य में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक एक नंबर के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस किस काम आते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि ए आर एन ए क्यों कहते हैं, एस आर एन ए क्यों कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब सेल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वितरण देखते हैं कि वितरण किस प्रकार का है। तो अगर सेल के टोटल आर एन ए का परसेंटेज निकालेंगे तो इसका जो परसेंटेज है वो 10-15% है, 10-15% जो है वो टी आर एन ए का परसेंटेज बैठता है। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में घूमते रहते हैं, और बेसिकली ये 60S टाइप के हैं, फ्री इन साइटोप्लाज्म, एंड इट इज फाउंड इन 60S टाइप के ये हैं, या ये कहें 60 प्रकार के हैं, साठ प्रकार के हैं। कुछ थ्योरीज जो हैं वो 54 टाइप की भी कहती हैं। तो अपन 60S या 60 टाइप क्यों कहा गया है, 54 टाइप क्यों कहा गया, इसके बारे में बात करेंगे जब हम बेसिकली वोबेल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तब। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप ये दोनों आंकड़े ध्यान में रखें जिससे आपको याद हो जाए कि ये क्या है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं संरचना के बेसिस पर जो इनको अन्य आरएनए से और डीएनए से डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं, तो हम उन बिंदुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये छोटे हैं, पहला पॉइंट हम देखें स्पेसिफिक फीचर, तो उनमें पहला फीचर है स्मॉल साइज। 25,000 से लेकर 30,000 डाल्टन इनकी स्पेसिफिक साइज है, मतलब ये स्मॉलेस्ट बोल सकते हो आप इसको, सबसे छोटे बोल सकते हो। अवसादन गुणांक की अगर बात करें, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट की बात करें टाइप 2 स्पेसिफिक फीचर में, तो वो 4S टाइप है, 4S कैटेगरी के हैं ये। तो आप सोच लो कि कितने छोटे हैं, और कई कई बार ये 3.8S टाइप के भी हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ भी हम इनको नोटिस कर सकते हैं। जनरली न्यूक्लियोटाइड्स की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है, ये छोटे से हैं, 75 से 95
राइबो न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक हैं इनके अंदर 75 to 95, कुछ बुक्स आपको 93 भी रेंज देती है, 73 to 93। तो आंकड़े थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप ये दोनों याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित हैं जो आपस में ही फोल्ड हो जाती हैं। बेसिकली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हैं इस प्रकार से, लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो खुद ही टर्न होता है, इसीलिए एक स्पेसिफिक संरचना बना लेता है जिसकी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इस प्रकार से तो ये जो चेन है वो एक स्ट्राइड से शुरू होती है, 5' से और 3' की, तो एक सिंगल चेन है, लेकिन फोल्डेड या बॉन्ड्स की वजह से ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है, वलित हो जाती है। प्रत्येक टीआरएनए अणु की श्रृंखला में घुमाव पर 3 नाइट्रोजनी क्षारों का एक निश्चित अनुक्रम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक निश्चित अनुक्रम आपको देखने को मिलेगा, जिसको एंटी कोडोन कहेंगे। ये एंटी कोडोन है जो कि स्पेसिफिक कोडोन को रीड करने के काम आता है। वहाँ पर क्या कोड है उसको पढ़ता है, कैसे पढ़ेगा ये हम बात करेंगे। और जहाँ तक ए व यू का अनुपात है, जी और सी का अनुपात है, वो एक यूनिट के रूप में है, इकाई के रूप में है, जिससे पता लगता है कि टीआरएनए में भी डीआरएनए की तरह कुंडित खंड पर्याप्त मात्राएं बनते हैं। मतलब ये सिमिलरिटी है टीआरएनए की और डीएनए की, कि ए और यू और जी और सी का रेशियो क्या है, यूनिट इकाई में है, एक है, जी सी और ए यू इनका रेशियो क्या है, एक है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है। जहाँ तक सामान्य क्षारों के अलावा असामान्य क्षार की बात है, वो टीआरएनए में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। टीआरएनए के अंदर असामान्य क्षार, एबनॉर्मल बेस जो हैं वो मैक्सिमम हैं। सामान्य क्षार ये सबसे ज़्यादा हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। टीआरएनए में अणु की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम है उसके बारे में सबसे पहले होली नामक वैज्ञानिक ने बात की थी। होली नामक वैज्ञानिक ने इसके अनुक्रमों को पढ़ा था, रीड किया था। होली नामक साइंटिस्ट ने इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचाना और इनको एक निश्चित अनुक्रम दिया। ये कार्य उन्होंने 1965 में अपने साथियों के साथ मिलकर किया। उन्होंने यीस्ट में एलेनिन टीआरएनए के अणु का विस्तृत मॉडल, मतलब यीस्ट जो सेल है उसके एलेनिन टीआरएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आता है जिसको इन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल कहा, यह आपको ध्यान रखना है, क्लोवर लीफ मॉडल जो कि होली ने दिया। इन्होंने ये जो नाम है वो इसलिए दिया कि ये मेथी के जो पादप है उसकी पर्ण आकृति के थे, मेथी के पौधे के समान है। मेथी क्लोवर, मेथी के पादप के समान है, इसीलिए इसका नाम क्लोवर लीफ मॉडल पड़ा है, जो कि एक त्रिपर्ण की पर्ण के समान संरचना दर्शाता है। प्रारूपिक रूप से इस मॉडल का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। तो हम बात करेंगे अब क्लोवर लीफ मॉडल की। टीआरएनए आरएनए में अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट आरएनए होता है और सबसे टफ भी। एग्ज़ाम में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो निश्चित रूप से आपको टीआरएनए से ही ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हम बात करेंगे क्लोवर लीफ मॉडल की, जो कि होली नामक साइंटिस्ट ने दिया। बेसिक डायग्राम जो है वो
कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का। ये जो आप देख पा रहे हो इसकी जो स्ट्रैंड स्टार्टिंग है वो है 5-3, तो ये एक ही स्ट्रैंड है। शुरू शुरू में बनाया कि ये वलित हो गया, वलित हो जाने की वजह से ये इस फॉर्म में आया है। यहाँ पर आपको इस साइड में यहाँ से एक एक्स्ट्रा आर्म देखने को मिलेगी, ये एक्स्ट्रा आर्म यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जहाँ तक हम लूप की बात करते हैं, पहले हम लूप के नाम देख लेते हैं। यह है डी एच यू लूप, इसको बोलेंगे डी एच यू लूप। इसकी बात करेंगे तो है टी साइंसी लूप, और ये एंटीकोडॉन हम पहले बात कर ही चुके, एंटीकोडॉन इस प्रकार से है। अब हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। जो 5-डेज सिरा है वहाँ पर फॉस्फेट जुड़ी होती है, 5-फॉस्फेट से शुरू होता है यहाँ से। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर ACC समूह है, ACC ग्रुप है ऊपर की ओर 3-डेज सिरे की ओर, और उसके बाद में आगे 3-डेज सिरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई भी एमिनो एसिड आकर जुड़ता है, ये एमिनो एसिड इसका भाग नहीं है, ये इस साइड पर आकर जुड़ता है एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसका नाम है अडेप्टर आरएनए, ए आरएनए। ये इस वजह से है जो कि 3-डेज सिरे पर जुड़ता है, ये आपको मैं बता दूं। ये जो स्टेम है यहाँ पर बॉन्ड बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि टेम्प्ररी है, लेकिन क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है तो बॉन्ड होने नहीं चाहिए, लेकिन वलित हो जाते हैं इसलिए बन जाते हैं। तो ये है टी साइंसी आर्म, ये है डी एच यू आर्म इस प्रकार से ये, और वो एंटीकोडोन आर्म आपके सामने आपको देखने को मिलती ही है। प्रस्तावित मॉडल के अनुसार एलेनिन टीआरएनए का अणु लगभग 73 to 93, मतलब टोटल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर 73 to 93, जो मैंने पहले बताया था राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं वो पाए जाते हैं, ये इनके अंदर सीक्वेंसेस है। यह अपने ऊपर की इस प्रकार से रिप्टा होता है कि इसके 3 व 5 डिस जो सिरे हैं वो एक दूसरे के पास आ गए हैं, वो आपके सामने ही दिख रहे हैं। मॉडल के अनुसार टीआरएनए की 5 भुजाएं होती हैं, जो भी आपको दिख रही है DHU, TCC, एंटीकोडोन और ये एक एक्स्ट्रा आर्म जो कि यहाँ पर है वो एक्स्ट्रा आर्म 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 आर्म इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, आपको दिखाई भी दे रही है। जो मॉडल के अनुसार एक भुजा है ग्राही भुजा एक्सेप्टर, जहाँ पर ऊपर एंटीकोडोन है, सॉरी एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है ऊपर की ओर, वो ग्राही भुजा है वो आपको दिख रही है। इसके अलावा एक डी भुजा है जो कि DHE लूप के रूप में है, एंटीकोडोन है और टी साइंसी लूप है। टी साइंसी लूप को हम राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन आर्म भी कहते हैं, राइबोसोम अभिज्ञान भुजा, ये जो है ना इसको बोलेंगे राइबोसोम अभिज्ञान आर्म भुजा, ये हमें यहाँ पर स्पेसिफिक रूप दिखाती है। तो ओवरऑल देखें तो इसके अंदर ये लूप हैं, और अब हम प्रत्येक लूप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राही भुजा की। नंबर एक जो आर्म है जिसको हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं वो है, जो सिंगल स्टैंडर्ड टीआरएनए है वहाँ पर 5-डेस और 3-डेस जो हैं वो एक दूसरे के समीप आ गए हैं, और इनसे जो समूह बना है उनके दोनों सिरों पर 7 पेयर और
सात तो पेयर्ड हैं और चार अयुग्मित न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, मतलब टोटल सेवन बॉन्डिंग है यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सॉरी सात, और टोटल चार ऊपर की हो रही है जिनमें एक जो है वो यू का है, ये यहाँ पर अनपेयर में है, ए सी सी यू, इस प्रकार की यहाँ पर आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि इस भुजा को हम सी सी ए भुजा कहते हैं क्योंकि इन तीनों की काउंट होती है, फर्स्ट थ्री डे जो है उनकी काउंट होती है, तो इनको हम ए सी सी या सी सी ए कहते हैं, जो कि स्टडी में थोड़ी हेल्प करती है। ए इनमें सबसे ऊपर होता है। सी सी ए क्षारक्रम जो है वो अमीनो अम्ल के अणुओं को अपने से संयोजित करता है। अमीनो अम्ल जो है वो जो नया इसकी वजह से जो पहचाना जाएगा वो वहाँ आकर जुड़ेगा, उस पॉइंट पर आकर जुड़ेगा, इसलिए इसके भुजा का नाम जो है संलग्न भुजा है, संलग्न आर्म या एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। बेसिकली सी सी ए या संलग्न स्थल पर मुक्त ओ एच अणु उपस्थित होता है। इस जगह पर ओ एच पी यहाँ है और ओ एच वहाँ है, उपस्थित होता है, और ये ए टी पी ऊर्जा खर्च करके यहाँ पर किसी भी एमिनो अम्ल को संयोजित कर सकते हैं। तो अगर एमिनो एसिड यहाँ आएगा तो यहाँ से एक एटीपी जो है वो खर्च हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इस भाग की खास बात है। और जैसे ही एमिनो एसिड यहाँ पर जुड़ता है तो जो टीआरएनए है वो अब बदल जाएगा एमिनो एसिड टीआरएनए में, मतलब पहले सिंपल टीआरएनए, और यदि ये कनेक्ट हो गया है आपस में तो ये कहलाएगा एमिनो एसिड टीआरएनए। ये मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा तभी भी बात करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एमिनो एसिड टीआरएनए कहलाता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सभी प्रकार के टीआरएनए में अमीनो अम्ल एक सार्वत्रिक या यूनिवर्सल टीआरएनए है जो कि लगभग सभी में पाया जाता है, और इसके अंदर ये जो भाग है ये विशेष रूप से टीआरएनए को अटैच करने का काम आता है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी डी आर्म की, सेकंड है इसकी डी आर्म, जो कि ये है। डी आर्म जो कि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पाई जाएगी, लगभग 8 से 15 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होते हैं, जिनमें से तीन से चार छारें पेयर के रूप में होती है और बाकी अनपेयर होती हैं। इस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर है, लगभग चार पेयर आपको डायग्राम में दिखते हैं, दिख ही रहे हैं, बाकी अनपेयर के रूप में है। जो अनपेयर है वहाँ पर भी तीन से चार होती हैं। इसे हम डीएचयू लूप कहते हैं, जिसका मतलब होता है डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप, इसका मतलब है डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप, DHU लूप, डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप ये कहलाएगा, उसी के बेसिस पर हम इसका नाम देते हैं। डी लूप तथा ग्राही भुजा के फाइव डेज जो सिरा है उसका निचला हिस्सा इसमें सम्मिलित होता है और अभिज्ञान स्थल बनाता है। यह स्थल विशिष्ट अमीनो अम्लों को सक्रियित करने वाले एंजाइमों की पहचान करता है तथा टीआरएनए अणुओं को उपयुक्त अमीनो अम्ल से संयोजित होने का निर्देश देता है। तो इसका कार्य आप समझ गए होंगे, ये स्पेसिफिक अमीनो अम्ल जो कौन सा जुड़ेगा उसके लिए गाइडलाइन प्रदान करता है, जिससे एसेप्टर आर्म जो है वो एक निश्चित जिसके लिए वो बना है उससे जुड़े। और तीसरी हम बात करेंगे एंटीकोडोन स्थल की, जो कि ये वाला है। यहाँ पर तीन क्रमों का एक विशेष स्थल है जिसको हम एंटीकोडोन कहते हैं। एंटीकोडोन जो है वो तृतीय भुजा है इसकी और अभिज्ञान स्थल कहलाता है बेसिकली, क्योंकि ये यहाँ पर कोडोन की पहचान करता है, न्यूक्लियोटाइड से बनाता है। इसके मध्य में न केवल न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडोन के रूप में कार्य करता है बल्कि ये स्वतंत्र और अनपेयर पार्ट है। पहला ऐसा भाग है जिसमें तीन बेसिक नीड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पर विशेष प्रकार के कोडोन होते हैं। ये किसी भी
कोड को डीकोड करने के काम आता है। और लास्ट जो है वो है वेरिएबल आर्म, ये परिवर्ती भुजाएं छोटी, नंबर 4 परिवर्ती भुजा, फोर्थ आर्म, फोर्थ भाग। यह भाग अपेक्षाकृत अस्थिर है और न्यूक्लियोटाइड जो क्षारों की जो संख्या है वो लगभग 4 से 5, या फिर ये कहें कि अगर ज़्यादा पे जाए तो लगभग 13 से 21 तक यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ये रेंज है। बाकी इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। और टी साइंसी लूप की बात करें तो बेसिकली ये टीआरएनए का सबसे आवश्यक भाग माना जा सकता है। यहाँ पर 5 पेयर्ड और 7 अनपेयर्ड पार्ट हैं, बेस पेयर की जहाँ तक बात करेंगे। इसमें बाह्यतम क्षारें हमेशा सी और जी की होती हैं। टीआरएनए का यह स्थल टीआरएनए को राइबोसोम से संलग्न करने में सक्षम है। तो ये हुई स्पेसिफिकली उसकी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हमने टीआरएनए के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है जितनी हमें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टीआरएनए को समझने में, और हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार आप ढंग से समझ लीजिए, इसका एक पार्ट और बनाएंगे हम जो कि आरएनए के बारे में आपको और जानकारी देगा। इसके साथ ही हम आरएनए को ख़त्म कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।